तो यार आज वाली वीडियो होने वाली है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 5 लीक्स के ऊपर। तो यार आज वाली वीडियो में बहुत सारे खतरनाक खतरनाक लीक्स लेके आ गए हूँ सीजन 5 के, जैसे कि भाई कौन सा नया मैप रिलीज होने वाला है, कौन सी नई गन्स रिलीज होने वाली है। यार वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, एंड तक जरूर से देख लेना। चैनल पर नहीं आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी चलो जल्दी से हमारे लीक्स की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट करें तो सबसे पहले भाई जो सीजन 5 का नाम होने वाला है वो होने वाला है गेट रैक्ड, और साथ ही में इसका एक छोटा सा ट्रेलर तुम लोगों को जो है स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, जो कि ऑफिशियल कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के यूट्यूब चैनल पे आया था। कमेंट में बताना भाई तुम लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा। तो यार अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कौन सा वो नया मैप है जो कि यार सीजन 5 में ऐड होने वाला है। तो यार जो नया मैप है वो बिल्कुल जो है हाईजैक जैसा होने वाला है, मतलब कि यार हम लोगों को ऐसे मैप्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं जो कि यार बीच ओशन पे हम लोग किसी यार्ड पे जो है फाइट कर रहे होते हैं, वैसा ही मैप जो है बिल्कुल हाईजैक जैसा। हाईजैक से वैसे बड़ा तो ये बहुत होने वाला है, अर्माडा स्ट्राइक जो है कोल्ड वॉर से कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में नेक्स्ट सीजन में ऐड होने वाला है। इसका भी एक छोटा सा जो है वीडियो तुम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ताकि तुम लोग को आइडिया लग जाए कि यार ये मैप कैसा है। साथ ही में यार एक ब्रांड न्यू स्कोच ट्री जिसका कि नाम है गार्डियन प्रोटेक्टर, वो भी गेम में यार नेक्स्ट सीजन ऐड होने वाली। इसका काम कुछ ये है कि ये इस तरीके से जो है सेंट्री गन की तरह यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगी। इसकी एक रेंज है, उस रेंज के अंदर जो भी एनिमी आएगा ये उसको जो है स्टन कर देगी, और उतने टाइम में जो है तुम उस एनिमी को मार सकते हो। तो यार क्या हो अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि भाई जिस हार्ट बीट सेंसर को जो है अपन SND में इधर उधर लेके घूमते रहते हैं, जो कि भाई एनिमीज की हार्ट बीट को सेंस करके जो है 10-15 मीटर की रेंज के अंदर जो भी एनिमीज आते हैं भाई उनकी जो है लोकेशन अपन को बता देता है, उसी हार्ट बीट सेंसर को जो है अब तुम लोगों को अलग से हाथ में लेके घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई हेडिस जो कि एक LMG है फिलहाल कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर, उसको जो है सीजन 5 के अंदर एक सिग्नेचर अटैचमेंट देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर यार लिटरली जो है एक हार्ट बीट सेंसर लगा हुआ है। यानी कि तुम लोग एक हार्ट बीट सेंसर को जो है अपनी हेडिस LMG में जो है नेक्स्ट सीजन से लगा पाओगे, और गेम प्ले के अंदर भी भाई यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि भाई हार्ट बीट सेंसर जो है एनिमी की एकदम करेक्ट लोकेशन शो कर रहा है। साथ ही में भाई एक ब्रांड न्यू पर्क जिसका कि नाम है सर्वाइवल ट्रेनिंग, वो भी नेक्स्ट सीजन गेम में ऐड होने वाला है। इसका काम ये है कि जो भी भाई एनिमीज के टैक्टिकल रहेंगे उनके नेगेटिव इफेक्ट से जो है ये तुम लोग को बचाएगा। इसका जो कूल डाउन टाइम है वो रहने वाला है 30 सेकेंड्स। तो यार नेक्स्ट सीजन जो है गेम के अंदर एक ब्रांड न्यू BR क्लास भी ऐड होने वाली है, जो कि यार सच्ची में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसका नाम है गार्ड, और भाई इसका काम बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। जैसे कि यार अपने MP के अंदर काइनेटिक आर्मर होता है, सेम टू सेम काइनेटिक आर्मर का बस जो है नाम बदल के BR के अंदर डाल दिया है। जैसा कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो एक जो है गोल्डन कलर का आर्मर डिप्लॉय हो चुका है इसकी बॉडी के ऊपर, जो कि इसको जो है एनिमीज की बुलेट से प्रोटेक्ट करेगा थोड़ी देर के लिए, मतलब कि जब तक इसकी ड्यूरेशन रहेगी। इसलिए यार अगर तुम लोग जो है किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस गए तो वहाँ पर जो है तुम इस ऑपरेटर स्किल को जो है यूज़ कर सकते हो, इस क्लास को जो है यूज़ कर सकते हो, और यार ये जो है तुम्हें वहां पर एनिमीज की बुलेट से थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही में ट्रॉफी सिस्टम्स भाई नेक्स्ट सीजन में जो है BR के अंदर यहाँ पर ऐड होने वाले हैं भाई। यानी कि अभी तक जो है तुम लोग नेट से परेशान होते रहते थे, यानी कि वो बंदे जो है नेट फेंक देते थे तुम्हारे घर के अंदर, तो यार अब जो है तुम लोग ट्रॉफी सिस्टम को वहाँ पर प्लांट कर सकते हो, और जो है ये तुम्हें नेट और बाकी सब मॉली वॉली जितने भी लीथल इक्विपमेंट है वहाँ से तुम लोग को बचाएगा। साथ ही में इसको तुम जो है अपने व्हीकल के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकते हो, यानी कि अगर कोई बंदा लॉन्चर मारेगा या फिर कुछ ना कुछ नेट करने का ट्राई करेगा तुम्हारे व्हीकल के ऊपर, तो यार वहाँ पर जो है तुम्हारा व्हीकल फटेगा नहीं, ट्रॉफी सिस्टम उसे प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन डिसएडवांटेज बस यही है कि व्हीकल के ऊपर जो है ये अपने आपको सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा 30 सेकेंड्स के बाद में। और साथ ही में एक ब्रांड न्यू कैमो जिसका कि नाम है पिक्सेलेटेड अग्रेशन, ये भी यार नेक्स्ट सीजन में जो है ऐड होने वाला है, और यार इसको जो है तुम लोग अनलॉक कर पाओगे नेक्स्ट सीजन का टूर्नामेंट मोड खेल के। वैसे तुम लोगों को क्या लग रहा है भाई ये कैमो तुम लोगों को पसंद आया या फिर नहीं, तुम लोग इसके लिए ग्राइंड करोगे या फिर नहीं मुझे कमेंट बताना मत भूलना। और अब टूर्नामेंट मोड की बात चली गई है तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि यार नेक्स्ट सीजन में जो है कौन कौन से जो है मोड्स अवेलेबल रहेंगे टूर्नामेंट मोड के अंदर। तो यहाँ पर जो है तुम लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, नीचे स्टार्ट करते हैं, तो है बिग हेड, ब्लिजर्ड, स्वॉर्ड्स एंड स्टोन्स, ग्राउंड वॉर, 10 VTEL किन कन्फर्म, और साथ ही में भाई एल्केट्रास टूर्नामेंट। भाई मैं तो सबसे ज़्यादा एल्केट्रास के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार फाइनली जो है अब अपन को टूर्नामेंट मोड के अंदर एल्केट्रास देखने को मिलने वाला है। भाई तुम लोग इसके लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं मुझे कमेंट बताना मत भूलना।
और भाई अब जो चीज़ मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ भाई, वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाली तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि भाई जब मैंने इसे पहली बार सुना था तो मुझे सच्ची में लगा था कि कोई क्लिक बेट है, बट यार जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, तब जाके यार मुझे भी सच्ची में बहुत ज़्यादा शौक हुआ था। तो जैसा कि तुम सबको पता होगा कि यार जो मॉडर्न वॉरफेयर है, अपने जितने भी पी सी गेम्स है, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के, कोल्ड वॉर हो गए, मॉडर्न वॉरफेयर हो गया, वॉरजोन हो गया, इन सब में ना यार फिनिशर्स मूव हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एनिमी खड़ा है तो तुम लोग जाके पीछे से उसको फिनिशर्स दे सकते हो, जिसका कि एक छोटा सा एनिमेशन आता है, लेकिन यार वो सच्ची में बहुत ज़्यादा कूल लगता है। तो काफ़ी टाइम से जो है प्लेयर्स कह रहे थे कि यार ये जो है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर भी आना चाहिए, एंड फाइनली गाइस डेवलपर्स ने हमारी सुन ली है और फिनिशर जो है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर भी ऐड होने वाले हैं। अभी नेक्स्ट सीजन ऐड होंगे, अगले सीजन यानी कि सीजन 6 सीजन 7 कब ऐड होंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना बता सकता हूँ कि काफ़ी जल्द जो है ये गेम के अंदर ऐड होने वाले हैं। भाई तुम्हारा इसके ऊपर क्या कहना है कि भाई फिनिशर्स गेम में ऐड होने वाले हैं, वो मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। तो हाँ यार, बाकी आज वाली वीडियो में बस इतना था, लेकिन 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 भाई जिससे पहले यार तुम लोग जो है वीडियो छोड़ के जाओ यार, एक चीज़ सुनते जाना भाई, जो लीक्स वाली वीडियो होती है उसमें सच्ची में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है लीक्स के लिए। और यार मैं तुमको ऐसे वैसे लीक्स, जो लीक्स मतलब कि 99% कन्फर्म है कि ऐड होने ही वाले हैं, वही यार मैं वीडियो में तुम लोगों को दिखाता हूँ। इसलिए यार मेरा एक छोटा सा गोल है यार, जो कि मुझे पता है तुम लोग ज़रूर कंप्लीट कराओगे, तो यार नेक्स्ट मतलब कि जून अब आने ही वाला है। और यार चैनल पर जो है 150 के अराउंड सब्सक्राइबर अभी ऑलरेडी है, यानी कि 147 है अभी। तो यार मेरी तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यार जून से पहले जो है चैनल को जो है 200 के आसपास तक, मैं ये नहीं कहूँगा एग्जैक्ट 200, बट यार 200 के आसपास या लाइक 180 या फिर 170 तक पहुँचा दो यार, सच्ची में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मुझे पता है यार छोटा सा गोल है, तुम लोग जरूर कंप्लीट कराओगे। बाकी बताना यार आज वाली वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारे पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बाकी मिलते हैं कुछ धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।